2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अपने इंतखाबी मंशूर में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को नाफिज कर सकती है। हालांकि सच्चर कमेटी को मैनिफेस्टो में शामिल करने पर आखिरी फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जरिए पास होना अभी बाकी है। ऐसे में एक बार फिर से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर बहस छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस की जेर सदारत वाली यूपीए सरकार ने साबिक जस्टिस राजेंद्र सच्चर की सदारत में एक कमेटी बनाई थी। इसे सच्चर कमेटी का नाम दिया गया था। इस कमेटी में मुसलमानों के समाजी, माशी और तालीमी हालात का पता लगाना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुल्क में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। इसीलिए आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि राहुल के 10 बड़े वादे, चुनावी मुद्दे या नेक इरादे। तो आपको बताते चलें, लोकसभा इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां पहले ही उरूज पर हैं। सियासी पार्टियों में लगातार मंथन देखने को मिल रहा है और इंतखाबी मंशूर कैसा होगा इसको लेकर भी तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो। और यहां तक की खबर है कि 2024 के लिए कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर पूरी तरह से तैयार है और जो वादों की लिस्ट मैनिफेस्टो में शामिल की जाएगी उसी को लेकर आज इस पर चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है उसमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया जाएगा, एमएसपी कानून का वादा किया जाएगा। और दरअसल क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार एमएसपी की गारंटी को लेकर लड़ाई देखने को मिल रही है और ऐसे में इसको शामिल करके कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी पहुंच बढ़ानी चाहती है, इसी को लेकर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। महेश वर्मा हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। शाफाइन कुरैशी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और अनुज अग्रवाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले बीजेपी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। महेश वर्मा जी, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है, तमाम तर वो चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं जिसको लेकर लोगों की मुखालफत देखने को मिलती है और बीजेपी कहीं से कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराज नजर आते हैं लोग। देखिए, जो जिस तरह की जगलरी और जिस तरह की सोच और जिस तरह की नीति और जिस तरह की नियत के साथ कांग्रेस जो है हर चुनाव में जो चीज सामने लेकर आ रही है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में जो है ना जनता को कहीं सोचने पे मजबूर कर देती है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जो राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में 10 लाख रोजगार के वादा करके आए, अभी हाल में कर्नाटक में 12.5 लाख का वादा करके आए, इसी प्रकार से झारखंड में 10 लाख का वादा करके आए, इनकी बहन जो है 20 लाख 18 लाख उत्तर प्रदेश में बोलती रही प्रियंका जी पिछले चुनाव में, मिला जुला के देखा जाए तो ये 30 लाख से आंकड़े से कहीं ऊपर चले गए। तो 30 लाख का आंकड़ा आप इस देश में, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार आपको देना था और 2 करोड़ रोजगार आपने नहीं दिया, और आप 30 लाख रुपए 30 लाख पे आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं। ये अपने आप में मजाक है, एक बात। दूसरी बात कि जो आपने सच्चर कमेटी की बात उठाई कि देश के मुसलमानों का जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आई, आखिर उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो मुसलमान 28% था आजादी के बाद मेन स्ट्रीम में, वो आज 1.87 के आसपास चला गया। उसके पास न शिक्षा रही, न स्वास्थ्य रहा, गुर्बत गरीबी से जिस तरह से वो दो दो हाथ करता हुआ, उसकी तालीम जो है आपने उससे छीन ली, वो जो एक क्लास था जो कारीगरों का, उसको कहीं बढ़ावा नहीं मिला। आज उसको कहीं सच्चर कमेटी का अगर कोई बात कह रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? और उस सच्चर कमेटी को भी आप लागू क्यों नहीं कर पाए? देश को मालूम होना चाहिए, जी सलाम के दर्शकों को पता चलना चाहिए कि जिस सच्चर कमेटी को इन लोगों ने आंख में धूल झोंकने का मुसलमानों का काम किया, उसका कारण यह था कि वो प्रधानमंत्री का उस समय का फैसला था, कैबिनेट का फैसला नहीं था, और उसी वजह से आज वो सुप्रीम कोर्ट में उस कमेटी, वो सच्चर आयोग की जो रिपोर्ट है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुनवाई और उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगी हुई। तो आप इस देश में इस तरह के जगलरी और इस तरह की बाजीगरी करके देश के लोगों को एक चकमा देकर राजनीति करने का जो एक सिलसिला कांग्रेस में अभी भी थमा नहीं है,
और ये किस प्रकार की सोच है, बकतंत्र से आप लोकतंत्र को हरा देंगे? ठीक है, मैं तफसील से चर्चा करूंगी। पहले सबका रिएक्शन ले लेते हैं। शाफाइन कुरैशी जी, जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो में तमाम तर दावे और वादे देखने को मिल रहे हैं, क्या इससे लगता है कि बेहतर मुकाबला चुनाव में कर पाएगी कांग्रेस, और हालात को लेकर कहीं ना कहीं गौरवखोज किया जाएगा? अपनी बात की शुरुआत बेकल उत्साही साहब के जी, दबदबा, ये हुकूमतें, ये नशाए दौलत, ये सब किराएदार हैं, सब अपना घर बनाते हैं। तो आज सत्ता किसी के पास है, कल सत्ता किसी के पास होगी, देश वहीं रहेगा, देश के लोग देश में ही रहेंगे। तो जो देश के जिसके पास कमान होती है, जिसके पास बागडोर होती है, जिम्मेदारी उसकी होती है। पिछले दौर में क्या हुआ,